सो गाइज, यूट्यूब का मॉर्निंग में ही 3 कमाल का बहुत ही मज़ेदार अपडेट आया है। बल्कि दोस्तों अपडेट जो आया है वो दोस्तों 4 आया है। लेकिन दोस्तों इस 4 में से मुझको दोस्तों 3 ही अपडेट मुझको बहुत ही दोस्तों पसंद आया है। और हाँ, आप सबको दोस्तों जानकर तीनों अपडेट के बारे में आप दोस्तों खुशी के मारे दोस्तों अंदर से और बाहर से यार ऐसे खुशी के मारे आप सब झूम उठोगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू और मैं आप सभी को बताता हूँ तीनों अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला अपडेट के बारे में मैं आप सबको बताता हूं। तो सबसे पहला अपडेट यह है दोस्तों कि देखिए, अगर आप कहीं ट्रेवलिंग करने जाते हैं, जैसे मैं आपका कोई ब्लॉग चैनल है, ठीक है, और आप कहीं घूमने जाते हैं, जैसे मैं दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, पटना चले गए ठीक है, और वहाँ पर मतलब कोई भी फेमस मतलब कोई जगह है और वहाँ पर आप वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और उस वीडियो में दोस्तों उस पटना का, उस मशहूर जगह का आप नाम ले लिए। तो होता क्या था दोस्तों कि जो भी मतलब उसका जो लोकेशन होता था ऑटोमेटिक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मतलब ऑटोमेटिक एड हो जाता था। तो ये अपडेट जो है दोस्तों मतलब कुछ दिन पहले ये अपडेट आया था। तो इसमें से दोस्तों मतलब YouTube क्या किया, इसमें थोड़ा सा मतलब एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट क्या किया है, देखिए अब क्या होगा, आप मतलब कहीं गए, जैसे मैं पटना शहर गए और पटना में कोई भी ऐसा जो मतलब जगह है जो बहुत ही मशहूर है, जैसे चिड़ियाघर, ठीक है, और वहाँ जाकर आप वीडियो बनाए और चिड़ियाघर का आप नाम ले लिए, वहाँ का आप एड्रेस भी मतलब एड्रेस का नाम भी ले लिए। तो उसका जो एड्रेस है उसका मतलब आपके जो भी वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिक एड हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों कि इसका दोस्तों अब एक फ्यूचर आएगा, ठीक है, मतलब एक ऑप्शन आएगा, अगर आप मतलब ऑटोमेटिक एड्रेस लोकेशन जो है उसे दोस्तों आप अपने वीडियो में मतलब ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर रहेगा कि मतलब आपके जो भी मतलब वीडियो आप बनाते हैं, शूट करते हैं कहीं कहीं जाकर, और मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ का जो भी एड्रेस है मतलब हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको पता ना चले, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि अब आप अपने थ्रू से दोस्तों मतलब ऐसे टिक लगा सकते हैं कि हाँ, मैं दोस्तों यहाँ का जो एड्रेस है मैं दिखाना चाहता हूँ या नहीं दिखाना चाहते हो। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो टिक लगा दीजिए, नहीं चाहते तो टिक हटा दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो यह है पहला अपडेट। अब चलिए अब जानते हैं दूसरा अपडेट के बारे में। तो दूसरा अपडेट ये है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं आपका जो भी YouTube वीडियो है और वो वीडियो दोस्तों मतलब कहाँ से आपके वीडियो पर व्यूज आ रहा है, जैसे मैं दोस्तों रिकमेंडेशन से मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियो पर मतलब व्यूज आता है, जैसे मैं वायरल होता है, तो रिकमेंडेशन का मतलब दोस्तों मतलब काफ़ी मतलब क्रिएटर को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि इस पर यूट्यूब क्या करेगा, इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा कि आपको दोस्तों रिकमेंडेशन का जो मतलब होता क्या है, ये कहाँ से व्यू जाता है, उसके बारे में दोस्तों आपको YT स्टूडियो में दोस्तों मतलब फ्यूचर एक दे देगा। जैसे में दोस्तों मैं आप मेरे से मतलब पूछते हैं कि जो भी मतलब हमारा जो भी न्यू सब्सक्राइबर है वो आता है तो कैसे पता चलता है, तो YT स्टूडियो में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि न्यू सब्सक्राइबर मतलब कितना आए हैं और कितना अनसब्सक्राइब किए हैं, ये सब कुछ आपके YT स्टूडियो में गाइज दिखता है। उसी प्रकार से दोस्तों जो भी रिकमेंडेशन से जो भी मतलब व्यू जाता है और जैसे भी दोस्तों रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है वो मतलब यूट्यूब अब दोस्तों YT स्टूडियो में आपको बताएगा, और वहाँ से दोस्तों आप एक्सपेरिमेंट कर आप दोस्तों आप अपने वीडियो को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो यह है दोस्तों दूसरा अपडेट। अब चलिए अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा अपडेट के बारे में। और ये जो तीसरा अपडेट है दोस्तों मतलब काफ़ी कमाल का अपडेट है, ठीक है, और ये जो अपडेट है मुझे भी मतलब बहुत अच्छा लगा। तीनों में से दोस्तों मतलब 4 अपडेट आया है, 4 में से दोस्तों ये तीनों अपडेट ही मुझे पसंद आया, और इस तीनों में से दोस्तों ये पहला जो अपडेट है मतलब पहला नहीं तीसरा जो अपडेट है ये मुझको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जैसे कि आपने दोस्तों कोई एक नया यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, नया यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद दोस्तों उसका आप लोगो लगाने के लिए, उसका बैनर लगाने के लिए क्या करते थे कि क्रोम ब्राउजर में जाते थे और वहां से दोस्तों अपना लोगो लगाते थे, बैनर लगाते थे। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में अब क्या कर रहा है यूट्यूब कि आप अपने YT स्टूडियो में ही जाकर दोस्तों आप अपना चैनल का लोगो लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, और जाकर लोगो एडिट भी कर सकते हैं और बैनर भी एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यही 3 न्यू अपडेट आया है, और इस तीनों में से आपको दोस्तों कौन सा अपडेट पसंद आया आप सब मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो यार जल्दी से लाइक ठोक दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो बस इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे आप सबसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों ये बारिश भी होने लगा, आप सब देख सकते हैं आवाज़ आप सबको सुनाई दे रहा होगा बारिश का, ठीक है, अब थोड़ा मतलब हाँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप मतलब उदास मत होइए, फिर मिलेंगे आप सबसे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।